नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिन में राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। बता दें कि दिल्ली में संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर भाजपा मुखर है। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी व राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका और उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राष्ट्रीय के निर्देशानुसार उपराष्ट्रपति के अपमान के विरोध में भाजपा नेता व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि देश के उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ की मिमिक्री करते हुए मजाक उड़ाया गया है और कृतित्व का वीडियो भी कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा बनाया गया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए माफी मांगने की मांग की। जिले से भाजपा के पदाधिकारी जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा राकेश सिंह, जिला मंत्री पवन सिंह, शशिकांत राय, जिला मंत्री अजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा दीपक सिंह सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के अपमान की घोर निंदा की है। क्या आपने देखिए, आज हमारे शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज हम सब यहाँ पे कलेक्टर चौराहे पर राहुल गांधी और उस कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया गया, जो कि हमारे महामहिम एक गरीब के बेटे को ये लोग कुर्सी पे बैठना शोभा नहीं दे रहा है। किस तरीके से उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वे पूरे देश में जिस तरीके से ये लोग मजाक उड़ा करके उनका अपमान किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आज हम सब एक प्रतीकात्मक पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।